जय हिंद, जय भारत। मैं रेबल सदानंद पति आप लोगों के बीच में। आज की खबरें आपने देख ली होगी तमाम टीवी के चैनलों में, तमाम न्यूज चैनलों में आप लोग शायद देख रहे होंगे कि बदलता भारत की तस्वीर क्या है, क्या है बदलते भारत की कहानी। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ देश मेडिकल सुविधाओं के अभाव में मर रहा है और दूसरी तरफ बिहार में 100 से ज्यादा एम्बुलेंस बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राजीव प्रताप रूढ़ी, जी हाँ दोस्तों, राजीव प्रताप रूढ़ी बीजेपी के कद्दावर नेता और बिहार गवर्नमेंट के एक एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सम्माननीय पार्लियामेंट्री मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राजीव प्रताप रूढ़ी बीजेपी के, और उनके फार्म हाउस से 100 एम्बुलेंस जो कि सांसद निधि फंड से खरीदा गया, 100 एम्बुलेंसेस जो कि परचेज किया गया सांसद निधि फंड से, और वो ढक के कवर करके छुपा के रखे गए हैं फार्म हाउस में। मैं सैल्यूट करूंगा पप्पू यादव को। पप्पू यादव जी, आपके हौसले को सलाम, क्या बड़ा खुलासा किया आपने। तमाम टीवी चैनलों का धन्यवाद। आज तो मैं आज तक वालों को भी धन्यवाद दूंगा। ज्यादा से ज्यादा लोग आज लाइव आइए, प्लीज प्लीज लाइव आइए, आइए मेरे साथ। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। 100 एम्बुलेंसेस जो कि पार्लियामेंट्री फंड से, सांसद निधि फंड से खरीदा गया बिहार गवर्नमेंट में द्वारा, और उसे फार्म हाउस में छुपा के रखा गया, और इतनी बेशर्मी के साथ सांबित पात्रा और राजीव रूढ़ी पप्पू यादव जी, जिन्होंने ये छापा मारा, आज उनकी वजह से हम ये वीडियो देख पा रहे हैं दोस्तों। 100 एम्बुलेंसेस बिहार में लोग मर रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटीज की कमी से पूरे देश जो है त्रस्त है, लेकिन बिहार में नीतीश बाबू का सुशासन और बीजेपी का सुशासन का लेवल देखिए कि 100 जो है एम्बुलेंसेस, 100 एम्बुलेंसेस फार्म हाउस में ढक के रखे गए। और बताइए क्या जवाब मिल रहा है सांबित पात्रा जी का। शर्म आनी चाहिए बीजेपी की, सेंट्रल गवर्नमेंट को और बिहार के स्टेट गवर्नमेंट को। आप लोगों को शर्म से डूब मरना चाहिए। ये कहते हैं कि हमारे पास ड्राइवर नहीं है। ड्राइवर, आपको याद होगा बिहार के चुनाव में बीजेपी गवर्नमेंट ने बोला था कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे। आज तेजस्वी यादव को मैं अपने साथ टैग करूंगा, अरविंद केजरीवाल को टैग करूंगा, ममता बैनर्जी को टैग करूंगा, रविश कुमार जी को टैग करूंगा, देश के करोड़ों भारतीयों को आज मैं टैग करता हूं और आह्वान करता हूं। एक बार पूछिए, इन्होंने बिहार चुनाव में पिछले साल ये कहा था जुलाई अगस्त में कि ये 2 करोड़ नौकरी देंगे। ये 100 एम्बुलेंस के ड्राइवर को नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, ये 2 करोड़ नौकरी देंगे। और कितनी बेशर्मी के साथ संबित पात्रा जी कहते हैं आज टीवी में आके, आज तक में आके, कि राजीव प्रताप रूढ़ी ने इश्तिहार निकाला था कि एम्बुलेंस के लिए ड्राइवर चाहिए। जिस देश में नौकरी की अकाल पड़ी हो, जिस देश में बेरोजगारी का बाढ़ आया हो, उस देश में लोग नौकरी के लिए नहीं मिल रहे हैं। कितनी बड़ी ताजुब का, इनका झूठ का लेवल देखिए, इनके शर्म का लेवल देखिए। 2300 लोग लाइव है फेसबुक में, 256 के आसपास लोग लाइव हैं, 260 हो गए यूट्यूब में। ज्यादा से ज्यादा लोग आइए आज, प्लीज आइए, आज जरूरत है। इसीलिए मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। तबीयत खराब है फिर भी लगातार काम कर रहा हूं। आइए, अपना हौसला दीजिए हमें। देखिए, 100 एम्बुलेंस, 100 एम्बुलेंस राजीव प्रताप रूढ़ी के एक जगह में कवर करके रखा हुआ था। धन्यवाद दूंगा माननीय पप्पू यादव जी को। पप्पू यादव जी, आप मेरे बड़े अच्छे मित्र भी हैं, बड़े भाई भी हैं। मैं आपके साथ कलकत्ता में भी था आज से 3-4 महीने पहले। बिल्कुल जमीनी स्तर पे लड़ते हैं ये, और कोरोना काल में मजदूरों के लिए इन्होंने कितना किया, बिहार के बाढ़ में इन्होंने कितना किया, मैं इसके लिए धन्यवाद दूंगा। विक्की आनंद को, जो इनके फॉर्मर पीए थे पप्पू यादव का, कि आपने मुझे ऐसे शख्स से मिलवाया। सल्यूट टू यू पप्पू यादव, आपने बीजेपी का इतना बड़ा एक गोरख धंधा को आज पब्लिक के बीच ला के दिया है दोस्तों। 100 एम्बुलेंसेस दोस्तों, 100 एम्बुलेंसेस ढक के रखे हुए हैं, और इतनी बेशर्मी से मोदी गवर्नमेंट के लोग कहते हैं कि वो इसलिए रखे गए क्योंकि हमें ड्राइवर नहीं मिल रहे हैं। अरे मेरे भाई, आपके नेता वैसे भी क्या काम कर रहे हैं, बीजेपी के नेता, भाजपा के जो विधायक हैं और सांसद हैं, क्या काम कर रहे हैं, इन्हीं को दे दीजिए एम्बुलेंस चलाने के लिए। जब वोट मांगते हैं तो यूं हाथ जोड़ के वोट दीजिए, भाजपा को जिताइए, हर हर मोदी, घर घर मोदी। आते हैं ना आप लोग घर में मांगने, अब जाइए ना एम्बुलेंस चलाइए, अपने अपने घर के सदस्य को भेजे ना एम्बुलेंस चलाने के लिए।
एम्बुलेंस सांसद निधि फंड से खरीदा आप लोगों ने, जनता के लिए, प्रदेश के लोगों के लिए, और अपने फार्म हाउस में बंद करके रख दिया, और पब्लिक को आके बोल रहे हैं कि ड्राइवर नहीं मिल रहे हैं। अरे ड्राइवर क्या डोनाल्ड ट्रंप के पास से लाओगे क्या, पुतिन के पास से लाओगे, या नेतन्याहू से लाओगे, या जापान से लाओगे ड्राइवर है? उसमें भी मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट आपका कामयाब नहीं होता। निर्मला सीतारमन जी, मैं राजनाथ सिंह जी आज आपसे एक विनम्र निवेदन करूंगा, मैं बहुत मानता हूं आपको राजनाथ जी, बहुत मानता हूं, आपकी वजह से 2014 में मोदी जी की सरकार बनी थी, मैं जानता हूं जमीनी लेवल पर आपने क्या काम किया। राजनाथ जी आप जमीनी परिवार से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, कभी तो पार्टी पॉलिटिक्स से हटके एक साधारण भारतीय की तरह आइए, क्या आपके आंखों के सामने ये सब हो रहा है, ये उचित है? मैं आपको बहुत सम्मान करता हूं माननीय राजनाथ सिंह जी, आज मैं आपको टैग करूंगा। संजय जी आम आदमी पार्टी के, केजरीवाल साहब एक निवेदन है, इस मुद्दे को प्लीज उठाइए, लोकसभा राज्यसभा सब जगह उठाइए, भारत को एक जवाब चाहिए। 100 एम्बुलेंसेस बिहार सरकार में और बंद कमरे में ढक के फार्म हाउस में छुपा के रख दिए गए, जबकि बिहार के लोग सड़कों में मर रहे हैं। आप सोचिए एम्बुलेंस खरीद लिया गया लेकिन लाशें रिक्शा में जा रही हैं, साइकिल में रिक्शा में जा रही हैं, ठेलों में जा रहे हैं डेड बॉडीज, और हमारे सांसद निधि के फंड से खरीदे हुए जो ये एम्बुलेंसेज हैं, ये राजीव प्रताप रूडी बीजेपी स्टेट गवर्नमेंट के, और नीतीश कुमार जी, नीतीश बाबू कहां गया सुशासन? आप कहते थे तेजस्वी जी को जवाब देने के लिए, शर्म आनी चाहिए नीतीश जी आपको, यू शुड बी अशेम्ड, यू शुड बी डैम अशेम्ड ऑफ व्हाट ऑल थिंग्स यू ऑल आर डूइंग। ज्यादा से ज्यादा लोग आज इस वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। 100 एम्बुलेंसेस बिहार स्टेट गवर्नमेंट में सांसद फंड से खरीदा गया, सांसद निधि से, और फार्म हाउस में छुपा के रखा गया, आम जनता सड़कों में मर रही है, ऑक्सीजन की कमी है, लोग अस्पतालों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, और बीजेपी के सांसद राजीव प्रताप रूडी बेशर्मी के साथ आके पब्लिक को एड्रेस कर रहे हैं, और सांबित पात्रा जी एड्रेस कर रहे हैं, और हद हो गई। राजीव प्रताप रूडी क्यों कहते हैं पप्पू यादव आप 100 ड्राइवर ले लीजिए चलाइए, अरे सांसद आप हैं, ये गाड़ियां आप लोगों ने खरीदी है, पप्पू यादव ने नहीं। शर्म नहीं आती आपको पप्पू यादव के बारे में टिप्पणी करते हुए, क्या बात करते हैं आप लोग? आपने देश के पैसे से 100 एम्बुलेंस खरीदे और जनता के लिए खरीदे, लेकिन आपके फार्म हाउस में क्यों पड़े हैं? कुछ पर्सनल काम करते थे क्या? इन एम्बुलेंसेज में कुछ माल ढोते थे क्या आप लोग? अभी अभी फरीदाबाद में बीजेपी के एक लीडर को पकड़ा गया जो कि ऑक्सीजन के सिलेंडर की कालाबाजारी कर रहे थे, ये कल का खबर है, वॉइस ऑफ फरीदाबाद यूट्यूब चैनल में देखिएगा दोस्तों आप लोग। फरीदाबाद में, हरियाणा में, जहां बीजेपी का शासन है, दुष्यंत चौटाला जी का शासन है, वहां पे बीजेपी के एक मावी नाम के नेता है, ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करते हुए पकड़े गए, ऑक्सीजन सिलेंडर के स्टॉक के साथ, जहां फरीदाबाद की जनता त्रस्त है, हरियाणा की जनता त्रस्त है, अस्पताल की कमियों से मर रहे हैं, वहां पे आप कालाबाजारी कर रहे हैं, बीजेपी के नेताओं का काम क्या रह गया फिर? क्या काम रह गया आप लोग पूछिए? दोस्तों हम लोग सड़कों में आते हैं, और ये बीजेपी आईटी सेल के कुछ लोग ना घुस गए हमारे पेज में, जरा इनको जवाब दीजिएगा, जो नेगेटिव कमेंट लिखते हैं ना दोस्तों यूट्यूब में और फेसबुक में, आप लोग ये दोनों हमारा पेज देखिएगा, रेबल सदानंद पति के पेज को आप देखिएगा, बरसाती मेंढक की तरह पिछले 4-5 दिन से घुस गए हैं हमारे पेज में। अरे भाई अपने आकाओं से पूछो, बिहार में 100 एम्बुलेंस, 100 एम्बुलेंसेस दोस्तों मायने रखती है, फार्म हाउस में छुपा के रख दिया गया, जनता के लिए खरीदा गया लेकिन जनता के लिए कोई काम का नहीं। अब मैं ये बातें उजागर कर रहा हूं तो कुछ लोग लिखेंगे केवल शिकायत करते, अरे शिकायत नहीं, इनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जेल भेजना चाहिए ऐसे सांसदों को, देश को जवाब। माननीय सुप्रीम कोर्ट से मेरी अपील है, कब तक आप चुप बैठे रहेंगे? आपके सामने समाचार पे समाचार आ रहे हैं, आप अब भी चुप हैं? आप तुरंत तत्काल प्रभाव से राजीव प्रताप रूडी और बीजेपी के गवर्नमेंट और नीतीश कुमार के गवर्नमेंट को तलब करें सुप्रीम कोर्ट में कि 100 एम्बुलेंसेज इस जो मतलब बिभीषिका के दौर में मृत्यु की शैया में लोग लटके हैं, लेकिन उसके बावजूद इनका फार्म हाउस के अंदर 100 एम्बुलेंसेज को क्यों छुपाया गया? धन्यवाद देता हूं मैं पप्पू यादव को, सल्यूट है आपको पप्पू यादव जी, इतना बड़ा स्कैंडल आपने उतारा, और संबित पात्रा को दीजिए, देखिए कितनी बेशर्मी के साथ आज तक और तमाम इंडिया चैनल में आके कहते हैं कि ड्राइवर नहीं मिल रहे हैं, कुछ एम्बुलेंसेस काम नहीं कर रहे, जो नए नए खरीदे गए वो भी खराब है। आपने कहा था 2 करोड़ नौकरी देंगे बिहार में नीतीश बाबू बीजेपी के स्टेट गवर्नमेंट, अरे 2 करोड़ तो छोड़िए, आप तो 100 ड्राइवर को जॉब नहीं दे पाए, और आप लोग बात करते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, जहां जहां बीजेपी की स्टेट गवर्नमेंट है ना, हर जगह यही हाल है, हर जगह यही हाल है,
और फिर ये लोग अन्य राज्यों में जाके बताते हैं कि हम राम राज्य लाएंगे, हम अच्छे दिन लाएंगे। देखिए कोरोना के बीभत्स काल में काला बाजारी वैक्सीन की, गैस सिलेंडर की काला बाजारी। जी हां दोस्तों, हरियाणा में फरीदाबाद में बीजेपी का नेता पकड़ा गया है। आप देखिए तमाम यूट्यूब चैनल में, गूगल में सर्च करके देखिए, ये क्या हो रहा है, मजाक हो रहा है। जहां जहां बीजेपी का शासन है ऐसा क्यों हो रहा है? गुजरात में क्राइम ब्रांच ने पकड़ा आपका, ये वैक्सीन ब्लैकमेल करते हुए, ब्लैक मार्केटिंग करते हुए, वहां भी बीजेपी की स्टेट गवर्नमेंट। अभी आपने देखा होगा कितनी सारी चीजें, लेकिन आज तो हद हो गई जब बिहार में 100 एम्बुलेंसेज सांसद निधि फंड में खरीदा गया दोस्तों, लेकिन गरीब लोगों के लिए, हमारी जरूरत के लिए, हमारे पैसों से खरीदा हुआ फार्म हाउस में छुपा के रखा गया। क्या अभी आप इनको माफ करेंगे? क्या देश इनको माफ करेगा? माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, मैं आपसे अपील करता हूं तमाम भारतीय जनता की ओर से कि ये जो एम्बुलेंसेज को फार्म हाउस में रखा गया है, तत्काल संज्ञान में लेके इनको तलब करे सुप्रीम कोर्ट में, और जो इनमें कसूरवार उनको दंडित किया जाए, इनके नेताओं को दंडित करे, ताकि देश देखे कि देश में कानून और संविधान सबसे ऊंचा है। हर तरह से मोदी गवर्नमेंट फेल हो गई है। वैक्सीन बेच दिया, 6.5 करोड़ वैक्सीन विश्व के 93 देशों को बेच दिया। कहते थे कि अरविंद केजरीवाल ने मना कर दिया कि वैक्सीन नहीं चाहिए। आज मनीष सिसोदिया ने पूरा रिपोर्ट दे दिया कि जो दो कंपनियां वैक्सीन बनाती थी उनसे दिल्ली की सरकार ने मांगा था 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन, लेकिन उनका जवाब आने से पहले ही केंद्र की सरकार का जवाब आ गया कि आपको 5 लाख या 3 लाख या कुछ वैक्सीन ही मिलेंगे। अरे जब वैक्सीन कंपनी बना रही है तो केंद्र की सरकार क्यों जवाब दे रही है? क्या केंद्र की सरकार वैक्सीन बना रही है क्या? और लोगों में गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं कि केजरीवाल जी ने मना कर दिया था कि वैक्सीन नहीं चाहिए। दोस्तों इनके व्हाट्सएप और आईटी मैसेजेस में भरोसा मत कीजिएगा, ये बीजेपी वाले केवल झूठ का प्रचार करते हैं। आज मनीष सिसोदिया जी ने साबित कर दिया, रिपोर्ट पब्लिक कर दी कि अप्रैल महीने में आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उन्होंने 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन भारतीय कंपनियों से मांगा था, लेकिन उनका जवाब आने से पहले ही और खरीदने से पहले ही केंद्र की सरकार का खबर आ गया। क्या केंद्र की सरकार वैक्सीन बनाने और बेचने का काम करती है क्या? सोचिएगा आप लोग, ये तथ्य है, ये इन्फॉर्मेशन है, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। 100 एम्बुलेंसेस बिहार में फार्म हाउस में छुपा दिया गया, 6.5 करोड़ वैक्सीन बीजेपी गवर्नमेंट ने विदेशों में बेच दिया, और ये कहते हैं कि केजरीवाल ने बोला था वैक्सीन मना कर दिया, आज वो रिपोर्ट लीक हो गई। आप सोचिए कितने बड़े मक्कार और झूठे लोग हैं ये, इनका एक भी बात सच नहीं है। इसलिए मैं बोलता हूं ये बीजेपी नहीं है, ये भारतीय झूठ पार्टी है, भारतीय झूठ पार्टी है। आज से 10 दिन बाद मैं गुजरात जा रहा हूं, 20 तारीख के अंतर्गत मेरी आज इमरान खेड़ा वाला से बात हुई है, मैं ग्यासुद्दीन जी से मिल के आया था, और शंकर सिंह वाघेला से मैं मिलने जा रहा हूं, और गुजरात में जो गुजरात मॉडल है ना वहां से मैं इनकी सरकार को हिलाने जा रहा हूं। अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो मैं ये संभव कर दिखाऊंगा, और करोड़ों भारतीयों को उनको इंसाफ दिलाऊंगा। जिन लोगों पे झूठे मुकदमे दर्ज हुए उन्हें मुकदमे से फारिग कराऊंगा। मैं चाहता हूं रेबल फाउंडेशन को लगातार आप लोग सपोर्ट कीजिए, आइए हमारे साथ, और आप लोग जिस तरीके से हमें आशीर्वाद देते हैं आगे भी हमें सपोर्ट करते हैं। लेकिन 100 एम्बुलेंसेस बिहार में राजीव प्रताप रूडी को अब जवाब देना होगा, बिहार में नीतीश कुमार को जवाब देना होगा। 100 एम्बुलेंसेस खरीद के केवल 100 ड्राइवर को जॉब नहीं दे पाए, ये कहते हैं कि नौकरी पे ड्राइवर नहीं मिल रहे हैं, और ये हमें 2 करोड़ के नौकरी का जुमला दे रहे थे बिहार चुनाव में। माननीय तेजस्वी यादव जी, ये मौका है, चिराग पासवान जी कहां छुप होकर बैठ गए? आप लोगों ने इनको सपोर्ट किया था, आज गूंगे बन के क्यों बैठे आप? चिराग पासवान जी, आपके पिताजी रामविलास पासवान ने कितना कुछ गरीबों के लिए किया, आज आप क्यों गूंगे बैठे? निकालिए अपने घर से, कहिए इनके प्रति आवाज। और माननीय सुप्रीम कोर्ट से मैं पुनः निवेदन करूंगा, उनके मुख्य न्यायाधीश से, मुख्य न्यायाधीश साहब तत्काल प्रभाव से इनको कोर्ट में बुलाएं, तलब करें, और जो जिम्मेदार है कि एम्बुलेंस को छुपाया गया उन्हें तुरंत सजा दें, प्रावधान दें। जय हिंद, जय भारत।